अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। यहाँ पे है मॉर्निंग टाइम और मैं बना रही हूँ बच्चों का ब्रेकफास्ट और अपना और हस्बैंड का। तो बच्चों के लिए पैनकेक्स बन रहे हैं आज। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीकेंड पे आपके बच्चे क्या खाते हैं। मेरे बच्चे ख़ासतौर पे वीकेंड में कहते हैं कि हमें कुछ अच्छा और कुछ डिफरेंट सा बना के दें। आयत का पैनकेक हो गया रेडी और अब ये जा रही है इसको लेके रूम में। मेरी हर वीडियो में आयत का बहुत दिल करता है कि मामा आप मेरी भी वीडियो बनाया करें और यूट्यूब पे मैं भी आऊं, और उसको बहुत शौक है इन चीज़ों का वैसे भी। तो जब वो अपनी वीडियोस टीवी पे देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे मुझे आयत के बाल इतने बुरे लग रहे थे, मैं इसको कह रही थी चलो तुम्हारा हेयर कट करवा लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि इसके बाल बहुत ही बुरे हुए हैं तो इसका हेयर कट करवा के आओ। तो फिर मैं इसको हेयर कट करवाने के लिए लेके गई थी, उससे पहले इनको थोड़ी देर के लिए ट्यूशन ड्रॉप किया कि इनका जो होमवर्क था बस वो कर लें, और फिर मैं इसको ले गई थी हेयर कट वगैरह करवाने के लिए। नहीं पीना, नहीं पीना। अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और समर वेकेशंस ख़त्म हो गई हैं बच्चों की, तो डिफरेंट तरह के इनके लंच बॉक्स रेडी हुआ करेंगे। मेरे बच्चे शाम को एकेडमी जाते हैं तो मैं इनको साथ में थोड़ा सा स्नैक्स दे देती हूँ, और ताकि जो है ये वापस आके अगर कुछ नहीं भी खा रहे ज़बरदस्ती या खेल रहे हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती फिर। और मेरा ये बेटा जो है नौश ब्लॉग्स मेरे साथ बैठ के देखता है, और इसको बहुत पसंद है नौश के दोनों बेटे, और ये बहुत मज़े से उनको इंजॉय करके देखता है। और ये इनकी एक्टिविटीज़ देख के, और इसका भी दिल कर रहा था कि मामा मुझे भी पूल में जाना है, और मैं कह रही थी चलो नेक्स्ट वीक तक कोई प्लान करते हैं, लेकिन ये अभी से सब कुछ रेडी कर रहा था कि मामा मुझे भी जाना है जैसे थे हमें भी शादी जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो है इनको अब नेक्स्ट वीक हम लोग लेके जाएंगे, पूल पार्टी करेंगे इनकी भी, और जो है ये भी फिर इंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं बना रही थी रात के लिए सालन, ताकि मैं जब वापस आऊँ आयत का हेयर कट करवा के तो ये रेडी रहे, और फिर जो है ज़्यादा टेंशन नहीं होती, जल्दी जल्दी में कुछ भी बनाना नहीं पड़ता फिर। तो ये मेरी मदर इन लॉ ने भेजे थे पाकिस्तान से बना के, मेरे यहाँ पे एक रिलेटिव हैं वो आए थे पाकिस्तान से, तो उनके हाथ उन्होंने भेजे थे ये फ्रीज़ करके कबाब और कोफ्ते। पाकिस्तान से जब भी कोई आता है तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी जो मामा है ये उनके हाथ कुछ ना कुछ बना के भेजती हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से हमारे लिए करे, स्पेशली जो मदर्स हैं वो तो जो है बहुत केयर करती हैं माशाल्लाह से, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ आयत का हेयर कट करवाने के लिए, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे मैं इसको लेके गई थी। और ये है जी सैलून यहाँ पे, और जिन लेडी ने आयत का हेयर कट करना था वो एक्चुअली अंदर शायद खाना खा रही थी, तो हम उनका ही वेट कर रहे थे, तो बस वो आई और इसका हेयर कट किया उन्होंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हेयर कट हुआ था इसका। चलें जी अब मैं यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, और दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।